બશીરા મિસ, તમે હો તો સ્ટાર્ટ કરી દેજો. તમે મને સાંભળતા હો તો સ્ટાર્ટ કરી દેજો. મિસ થઈ ગયું. તો આજ હમ જો લેસન કરને વાલે હૈ ઉસે આપકો મેં ફિર સે કહે રહી હું, એન્જોય કરના હૈ. જીતના આપ ઉસ લેસન કો એન્જોય કરોગે ઉતના આપકો અચ્છે સે યાદ રહે જાયેગા, હૈ ના? ઇસલિયે પઢના તો હો હી જાયેગા સાથ મે, પર સાથ મે હમ ઇસ को एंजॉय करेंगे और इसके साथ ही हम इसे अच्छे से घूम भी लेंगे, है ना? चलिए, तो पहले मुझे बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? भारत का नक्शा. हाँ, भारत का नक्शा. भारत का नक्शा. राइट. अब ये जो भारत का नक्शा है उसमें आप अलग अलग राज्य देख रहे हैं, है ना? तो अब मुझे बताइए गुजरात कहाँ है? चलिए टूंडी, गुजरात कहाँ है भारत के नक्शे में? होगा ना गुजरात, होगा ना? राजस्थान के नीचे है मिस. राजस्थान उसके नीचे तो मध्य प्रदेश है. मिस मैं बताऊं? हाँ, मध्य प्रदेश के पास में, या है ना? हाँ. हम कहाँ रहते हैं? गुजरात. यस मिस. तो भारत के नक्शे में हम यहाँ गुजरात में इस जगह पर रहते हैं, है ना? Yes, miss. चलिए अब मुझे ये बताइए ये कौन सा नक्शा है? गुजरात का. ये गुजरात के जिलों का. हाँ, ये गुजरात का नक्शा. यस, पक्का. राइट. तो ये गुजरात का नक्शा है. अब आप इसमें मुझे बताइए भावनगर कहाँ है? भावनगर कहाँ है? यस मिस, ये भी बताती हूँ. येलो वाला अमरेली. अमरेली पास में. अमरेली के पास में. अमरेली के पास में. हाँ हाँ, ये वाला जूनागढ़ के पास. अमरेली. अमरेली के पास भावनगर. मैंने सारे नहीं पूछे, मैंने सिर्फ भावनगर पूछा. जो पूछू उसी का बताओ ना, है ना? तो यहाँ है भावनगर. राइट. तो गुजरात के इन सारे जिलों में हम भावनगर में यहाँ रहते हैं, है ना? अच्छा, जैसे मैंने पूछा ना, अब आपको मैं चांस देती हूँ. आप में से कोई भी एक जो है वो किसी भी शहर का नाम बताएगा इसमें से, और बाकी सब उसे ढूंढेंगे. ओके, चलो क्षमा, फटाक से. हाँ, जल्दी से क्षमा. कोई भी नाम बोलो इसमें से. क्षमा क्षमा से पूछा मैंने. हाँ मिस है वो. तो बोल क्यों नहीं रहे? कच्छ. कच्छ मिस, मैंने कच्छ कहा. आपने कच्छ कहा. ओके, चलिए बस ढूंढिए बाकी लोग. कच कहाँ है? मिस वो ग्रीन कलर का है. ग्रीन तो नहीं है लेकिन कच के रन है ना उसके नीचे. रन ऑफ कच. हाँ बस यहाँ. हाँ ओके, चलो अब कौन बताएगा और कोई जिले का नाम? मैं बताऊ? आनंद. बताऊ? आनंद. चलो आनंद ढूंढो बाकी. आनंद ढूंढो बाकी गर्ल्स. कहाँ है आनंद? मिस आई आप अहमदाबाद के बाहर नीचे. आनंद. ओके, अब कौन बोलेगा? मेहसाना. मैं बोल. चलो मेहसाना ढूंढो. मेहसाना. मेहसाना. मेहसाना पाटन के पास. पाटन के पास है. पाटन के पास ये वाला है ना? यस मिस. वेरी गुड. हाँ वेरी गुड. चलो आप कोई बोलो और नाम. जूनागढ़. जूनागढ़. चलो जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़. जूनागढ़ कहाँ है गर्ल्स? बताओ मुझे, दिखाओ. राजकोट के और बंदर के ऊपर. राजकोट के नीचे ये रहा जूनागढ़, है ना? वेरी गुड. चलिए तो अब बताओ वडोदरा कहाँ है? वडोदरा. आनंद के बाजू में.
हाँ ये रहा है ना, ये अहमदाबाद, ये वडोदरा, ये आनंद और ये राजकोट है ना, और ये भावनगर। तो इस प्रकार ये गुजरात के सारे जिले हैं। अब सारे जिलों में ये बताओ कि आपको सबसे बड़ा जिला कौन सा दिखाई दे रहा है। देखिए ये भरूच कच्छ जो ग्रीन में है वो इतना है, कच्छ पक्का देख लो, हाँ अच्छे से देख लो, सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कच्छ हाँ कच्छ है ना। देखिए कितना सारा विस्तार, ये रण ऑफ कच्छ भी कच्छ का ही हिस्सा है ना, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू दोनों आसमानी, तो ये सारा विस्तार जो है वो कच्छ का है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। अहमदाबाद या वडोदरा या राजकोट ये भी इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा कच्छ है। तो आज हम जो पिकनिक पे जा रहे हैं ना वो इसी कच्छ की पिकनिक पे जा रहे हैं, है ना, चलोगे ना घूमने के लिए। हाँ हम लेडी है चले। हाँ वैसे भी इस बार पिकनिक तो नहीं हुई स्कूल से, क्योंकि स्कूल में ही नहीं है आप लोग, पर घर से भी ज्यादा नहीं गए होंगे, तो चलो थोड़ा घूम आते हैं तो फ्रेश हो जाए, है ना, क्योंकि आज वैसे भी पढ़ाई का थोड़े दिन मन होने वाला है नहीं, तो थोड़ा घूम लेते हैं हम। मैं घुमाऊंगी आपको ताकि आप दूसरे विषय जो है ना वो अच्छे से पढ़ पाओ, है ना। चलिए तो देखिए चले ये है कच्छ जो हमने देखा ना यहाँ, ये कच्छ जिला, तो ये सिर्फ कच्छ का नक्शा है और इसमें आपको कच्छ के अलग अलग गांव शहर जो हैं वो दिखाई देंगे। ये देखिए भुज, कच्छ का मुखिया भुज है ना, तो उसी प्रकार अलग अलग उसके जो कच्छ में गांव हैं शहर हैं उनके सारे नाम हैं। ये सारा जो है वो रण है, ये सब रण है ना, सब रण है। सैनब शेख ने स्क्रीन प्रेजेंट की, आपकी नहीं दिखाई दे रही। हाँ बेटा आप लोग मेरी स्क्रीन पिन करके रखो ना, बेटा आप लोग पिन कर दो, मेरी स्क्रीन पिन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। और सैनब अपनी स्क्रीन बंद करो बेटा, अगर सैनब सुन रहे हैं तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। दिखाई दी गर्ल्स मेरी स्क्रीन अब आपको, नहीं नहीं दूसरी बार नो बिल्कुल मिस। ओके, एक मिनट रुको। सैनब कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही किसी की स्क्रीन प्रेजेंट बेटा। स्टॉप कर दी स्क्रीन मिस, वो स्टॉप करते हैं तो भी आपकी फिर नहीं दिखाई देती, दूसरी बार अरे आप करनी लोग पड़ती मेरी है। स्क्रीन पिन नहीं करते इसलिए, आप लोग मेरी स्क्रीन पिन करके रखो ना। मैंने तो पिन कर ही रही थी, मैंने करके रखी ही थी मगर फिर भी चली गई। अब दिखाई दे रही है ना, अब दिखाई दे रही है गर्ल्स, नहीं अभी भी नहीं दिखाई दे रही किसी गर्ल्स को, नहीं दिखाई दे रही। अरे नहीं एक मिनट, बाकी सब गर्ल्स मुझे आंसर देगी बेटा, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। नहीं मिस, आपकी स्क्रीन हमको नहीं दिखाई दे रही। अब दिखाई दे रही है, नो हाँ आप दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रही है ना। यस ओके तो ये हाँ कच्छ मिस, आप का, दिखाई दे रही है। ये कच्छ का नक्शा है गुजरात के कच्छ का, जो हमारा सबसे बड़ा जिला है, स्पेशली उसका नक्शा है, और इसमें आप अलग अलग गांव देख रहे हैं, शहर देख रहे हैं। और ये जो सारा हिस्सा है ना बाहर का, ये सारा हिस्सा रण है। ये लिटिल रण यानी छोटा रण, ये रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ, ये सारा हिस्सा रण प्रदेश है। ओके और ये गांधीधाम, ये कच्छ का मेन भूज, ये सारे
बच के। मिस मैं भूज पे गई ली हूँ, है ना। हाँ अच्छा, वही मैं आप सबको अभी पूछने ही वाली हूँ कि चलिए पहले मुझे ये बताते जाइए, फिर मैं पूछती हूँ आपसे। चलिए ये क्या है? रण है, रण प्रदेश है, रण है ना। हाँ तो अच्छा, ये रण कैसे हुआ? ये तो सफेद दिखाई दे रहा है। सफेद रण है, इसमें रहती है ना, सफेद रण है। पर रण प्रदेश में तो रेत जो होती है वो येलो जैसी होती है, ये तो सफेद दिखाई दे रहा है, तो रण कैसे हुआ? रण है पक्का? यस मिस, पक्का पक्का। ओके ओके, रण किसे कहते हैं? रण प्रदेश किसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी, रेत, वो जहाँ पर पानी न मिलता हो, पानी बहुत मुश्किल से मिलता हो, वो रण प्रदेश। हाँ, सूखा प्रदेश होता है ना। जो वनस्पतियाँ होती है वो ज्यादातर ग्रीन नहीं होती, हरियाली वाली जगह नहीं होती रण प्रदेश। कंटीले वाली जो वनस्पतियाँ होती है वो यहाँ ज्यादा होती है, ग्रीनरी कम होती है। और फिर उन्होंने कहा वैसे पानी कम मिलता है, रेतीला प्रदेश हो तो उसे रण प्रदेश कहते हैं। हाँ, तो ये कच्छ का रण है। और ज्यादातर आपको रण प्रदेश में अगर जाना है तो आप ऊंट पर सवारी कर सकते हैं, क्योंकि ऊंट जो है वो आपको रण में ही दिखाई देते हैं ज्यादा, क्योंकि ऊंट जो है वो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं, और रेत होती है इसके कारण हमारे जो साधन है, वाहन जो है, वो आसानी से रण में नहीं चल पाते। तो उस समय रण में चलने के लिए ये ऊंट जो है वही अच्छे से काम आ सकते हैं, है ना। तो ये कच्छ का रण है, है? आप इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हमें कौन बताने वाले हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो ये जो है वो हरेश ढोलकिया जी जो है, जो गुजराती के, आप लोग अपने माइक म्यूट रखेंगे गर्ल्स। तो हरेश ढोलकिया जी जो है वो हमें इसके बारे में बता रहे हैं। मैं मूलतः हरेश ढोलकिया जी जो है ना वो गुजराती लेखक है, यानी गुजराती में उनका साहित्य होता है, पर उन्होंने ये हिंदी में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। और हरेश ढोलकिया ढोलकिया जी जो हैं उनका जन्म ही कच्छ में हुआ था, यानी वे मूल रूप से कच्छ के ही हैं, और व्यवसाय से वे अध्यापक हैं, यानी वह एक शिक्षक है। और उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो हैं उनका जो अंग्रेजी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, उसका गुजराती में अनुवाद किया है और उसे नाम दिया है अगनपंख। क्या नाम दिया है? अगनपंख। और आपने आपका शिक्षण कार्य और उसका अनुभव, इसके अलावा संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व जो है वो भी आपके लेखन के क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों में भी इन्होंने काम किया है। कच्छ मित्र और सुरखाब जो है साप्ताहिक है या पाक्षिक है। गर्ल्स आप म्यूट रखेंगे प्लीज, मिस आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी गर्ल्स को दिख रही है? नहीं मिस। क्यों, किसने स्क्रीन पसंद कर दी? नहीं दिखाई दे रही है। ज़ैनब शेख फिर से? हाँ मिस। ज़ैनब शेख आप मुझे सुन रहे हैं बेटा? ज़ैनब आप सुन रहे हैं बेटा मुझे? आप प्लीज अपनी स्क्रीन जो है वो प्रेजेंट मत कीजिए, मेरी स्क्रीन को पिन करके रखिए। बाकी गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है बेटा, या तो आप लेफ्ट, हम आपको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ज़ैनब सुनाई दे रहा है? ये लास्ट टाइम है बेटा। मिस नहीं आ रही हो तुम्हारी स्क्रीन? आप पहले बात करना सीखो बेटा, तुम्हारी नहीं बोलते अपने से बड़ों को, क्या बोलते हैं? आपकी स्क्रीन में सभी नहीं दिख रही। अब दिखाई दी?
यस हाँ दिख रही है अब दिख रही है। तो हरेश ढोलकिया जी ने सुरखाब और कच्छ मित्र में भी लेखन कार्य किया है और इसके अलावा उनका गुजराती साहित्य हम देखे तो अंगद नो पग 400% आनंद ये उनके गुजराती साहित्य भी हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय रह चुके हैं। और ये हैं हमारे हरेश ढोलकिया जी जो मूल रूप से कच्छ के ही हैं और आज हमें इन्हीं के द्वारा कच्छ घूमना है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा भारत देश जो है ना वो बहुत ही विशाल देश है। भारत देश जो है ना बहुत ही विशाल देश है और इसमें कई जगह ऐसी हैं जो घूमने लायक है। हम राजस्थान जाए या हम यूपी उत्तर प्रदेश की ओर जाए या एमपी मध्य प्रदेश की ओर जाए किसी भी राज्य में हम जाए तो हम जो है वो हमें घूमने के लिए कई सारे स्थल जो हैं वो मिलेंगे और सबका जो है ना वो अलग अलग महत्व है। कई सारे दर्शनीय स्थल हैं पर सब राज्यों की सब जगह का अलग अलग महत्व है अलग अलग सौंदर्य है। कहीं पहाड़ी विस्तार है यानी हिल स्टेशन वगैरह है ना तो कहीं नीलोत्री से भले हुए यानी हरियाली से भरे हुए प्रदेश है। जिसकी जैसी पसंद वह वैसी जगह घूमने जाते हैं। तो पूरे भारत में कई सारी जगह ऐसी घूमने लायक है और सभी का कुछ ना कुछ महत्व भी है। जैसे हम देखिए ताजमहल देखने जाए हाँ तो अब ताजमहल जो है उसका सौंदर्य उसका ही है वो हम किसी और जगह नहीं देख सकते वो वहीं देख सकते हैं। फिर हम उसके स्थान पर अगर राजस्थान जाए तो भी गुजरात में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। अच्छा आपने वडोदरा देखा है नहीं मैं किसी ने वडोदरा देखा है वडोदरा में क्या है देखने लायक चले ये तो आपको पता होगा देखा नहीं होगा पर पता तो होना चाहिए ना थोड़ा जीके तो आपका होना चाहिए क्या है कमाटी बाग। हाँ फिर उसके अलावा चलिए जानकारी तो है आपके पास उसके अलावा अभी कुछ नया बना है क्या बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका स्टैच्यू है वहाँ पर सरदार पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है ना वहाँ पर जो बहुत बड़ा स्टैच्यू है तो उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने लायक है। हाँ गुजरात में हम वडोदरा जैसे शहर में जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें देखना चाहिए। ऐसी तो कई जगह है तो सबका ही कुछ ना कुछ महत्व है और खुद का सौंदर्य भी है और इसमें गुजरात हमारा राज्य जो है वो एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी अनोखा ये आपको समानार्थी में पूछा जाता है अनूठा यानी अनोखा। तो गुजरात हमारा एक अनोखा राज्य है और उसमें भी गुजरात में भी विशिष्ट जिला है कच्छ है ना विशिष्ट जिला है कच्छ। तो उसी कच्छ के बारे में हम जानने वाले हैं और देखा भी हमने कि कितना बड़ा जिला है हमारा कच्छ। तो ये गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है यानी यहाँ देखने लायक बहुत सारी जगह है और यात्रियों के लिए कच्छ जो है ना वो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। जब भी हम गुजरात में अगर हम तय करें ना कि घूमने जाना है तो पहले हम ये सोचते हैं कि चलो गुजरात के बाहर जाना है या गुजरात में जाना है पहले ये तय होता है ना। जब गुजरात में तय करते हैं ना कि भाई गुजरात में ही चलो इस बार घूमने जाना है गुजरात के बाहर नहीं जाना तो ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद जो है वो कच्छ होती है क्योंकि एक तो इतना बड़ा विस्तार है इतना बड़ा राज्य है तो इतना बड़ा हमारा कच्छ जिला है तो उसके कारण वहाँ देखने लायक भी बहुत सारी जगह है। इसलिए कच्छ जो है वो हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका पौराणिक महत्व भी है और साथ ही अनेक दर्शनीय स्थान है ना इसके कारण इसे म्यूजियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है म्यूजियम
क्या कहा जाता है कच्छ को? म्यूजियम। हम आपको ऐसा प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि कच्छ को और क्या नाम से। देखिए इसमें बहुत सारे आपके एमसीक्यू निकले गया और मैं समझती हूँ कि आपको याद होगा कि आप नोट पेन लेकर बैठे है ना, तो आप लोग नोट पेन लेकर बैठिए और साथ साथ इसके पॉइंट्स लिखते जाइए, क्योंकि एक दो पेज के पॉइंट्स हो जाएंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपके पास पॉइंट होंगे ना, इसके सिर्फ पॉइंट्स, देखिए पॉइंट्स जो छोटे होते हैं ना उसे पॉइंट्स कहते हैं, तो अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे ना तो आप लोग पक्का इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, छोटे बड़े सारे के सारे आप क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स में ही कर लेंगे। मुझे आपको आंसर सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में जब मैं क्वेश्चन दूंगी ना तब आप कहोगे मिस आप इसके आंसर मत लिखो, ये तो सारी बातें आपने पॉइंट्स में बताई थी वही है, हमारे पास पॉइंट्स भी है। तो आप सोचो, आप ही समझो कि पॉइंट्स लिखना अच्छा है कि नहीं, कहीं कुछ ढूंढने ही नहीं जाना पड़ेगा है ना। तो आप अगर पॉइंट्स लिख रहे हैं मेरे साथ तो लिखिए उसमें कि वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम भी कहा जाता है, तो लिखिए कच्छ, फिर डैश के बाद लिखिए म्यूजियम भी कहा जाता है। ओके, तो इसे पॉइंट्स कहते हैं। लिखना छोटा है पर आपको पॉइंट्स देकर ही सारा सारी बात जो है वो याद आ जाएगी। ओके, तो उसके आगे हम चलते हैं कि वैविध्यता के कारण इसे म्यूजियम कहते हैं या तो संग्रहालय, म्यूजियम इंग्लिश में कहते हैं या संग्रहालय है ना, तो दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। फिर इसकी बात करें कि यहाँ जो है ना हम कच्छ में प्रवेश करते हैं ना तो हमें रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, जिसे नाम दिया है छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। देखिए यहाँ आपको मैप में भी दिखाई देगा नानूरण है ना, गुजराती मैप है, इसमें लिखा है नानूरण। और यहाँ देखिए यहाँ ये जो मेरा पॉइंटर है ना, यहाँ आपको कच्छ का रण है ना, ये बड़ा रण है। तो रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अब आप पॉइंट्स अगर लिख रहे हैं तो उसमें लिखिए कच्छ में दो रेगिस्तान, फिर डैश छोटा रेगिस्तान बड़ा रेगिस्तान। हो गए आपके दो पॉइंट्स। यस मिस। ओके ओके मिस। तो दो रेगिस्तान, पर फिर भी ये देखिए ये अनोखा रेगिस्तान है हमारा। हम जो रेगिस्तान देखने आए हैं ना, अभी हम पिकनिक पे है ना, याद है ना आपको, तो अभी हम रेगिस्तान घूमने के लिए निकले, तो ये जो रेगिस्तान है ना वो अनोखा रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण ही नहीं। अब रेगिस्तान में क्या होता है, रेत होती है ना, तो यहाँ रेत वेत वगैरह कुछ नहीं है, तो ये अनोखा रेगिस्तान है कि इसमें रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते, इसलिए ये अनोखा रेगिस्तान है। तो ऐसे अनोखे कच्छ की सैर पर हम चल पड़े हैं, है ना। ओके, फिर अब कच्छ की यात्रा जो है ना, वो हमने प्रवेश करते ही रेगिस्तान देखा ना, अब हम आपको ऐसा प्रश्न पूछते हैं कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो कच्छ का प्रवेश द्वार होगा सामखियाली, तो ये आपका तीसरा पॉइंट होगा, कच्छ का प्रवेश द्वार डैश सामखियाली। लिखते जाइएगा गर्ल्स, कच्छ का प्रवेश द्वार डैश सामखियाली। लिखा जी। ओके, तो सामखियाली से हम कच्छ की यात्रा शुरू करते हैं, है ना। तो पहला ही गांव हमने देखा सामखियाली, जिसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यहाँ से हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे ना
तो हमारी प्राचीन संस्कृति जो है मोहनजोदड़ो, उसके दर्शन होंगे। वहां हम रापर से धोलावीरा होते हुए हम मोहनजोदड़ो देख सकते हैं। आपने मोहनजोदड़ो के बारे में सुना है? जी हाँ ना, हाँ क्या सुना है, क्या सुना है मोहनजोदड़ो के बारे में? कहीं ना कहीं आपने एसएस में पढ़ा भी है। प्राचीन प्राचीन नगर है, फिर क्या है मोहनजोदड़ो की खासियत क्या है? प्राचीन नगर है एक तो बताया आपने, और क्या है? देखिए, ये 5,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। 5,000 वर्ष पुरानी, यानी 5,000 वर्ष पहले का यह गांव है ना? तो 5,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है ये, राइट? आप सुन रहे हैं ना गर्ल्स? गर्ल्स सुन रहे हैं ना बेटा? जी तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कितने वर्ष पुरानी संस्कृति है हमारी? 5,000 5 वर्ष पूरा 5 वर्ष नहीं, कितने वर्ष? नहीं, 5,000 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति। अब देखिए, मोहनजोदड़ो 5,000 वर्ष पुराना एक नगर है, फिर भी क्यों इतना विख्यात है? उसका कारण है कि वह प्राचीन नगर है, फिर भी हमें उस नगर में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, यानी आधुनिकता इस नगर में हमें दिखाई देती है। ओके, तो इसी कारण ये विख्यात है। और एक बात बताऊं कि ये अभी कुछ सालों पहले तक, हाँ 10-15 साल या 20 साल पहले, 15 साल पहले भी आप देखे ना, तो हमारे कई सारे गांव ऐसे थे जहाँ खुली गटरे ऐसी सुविधाएं थी, है ना? पर अब आप देखिए, कहीं हमें खुली गटरे शहरों में या गांव में नहीं देखने को मिलती। खुली गटरे नहीं होती, अंडरग्राउंड गटर होती है, नीचे से, जमीन के नीचे से गटरे निकलती है ना? तो 5,000 वर्ष पहले, तो आप सोच सकते हैं, 15 साल पहले मैंने कहा कि हमारे, 15-20 साल पहले हमारे गांव ऐसे थे, तो 5,000 वर्ष पहले तो ऐसे ही होंगे ना सब। तो उसमें ये एक ऐसा नगर बनाया गया था जिसमें गटर योजना बहुत अच्छे से आयोजित की गई थी। फिर इसके अलावा, जैसे आज हम देखते हैं ना, जाहिर स्नान गृह या शौचालय जाहिर, तो वैसी सुविधा उस समय थी। अभी कुछ सालों से हम देखते हैं शहरों में कि जाहिर स्नान गृह या जाहिर शौचालय जैसी सुविधाएं हैं, और उस समय जो है वो ऐसी सुविधाएं होती थी कि जाहिर शौचालय और जाहिर स्नान गृह हुआ करते थे। और इसके अलावा आज के नगरों की योजना हम देखते हैं कि सड़कों के लिए जगह रखी जाती है, गार्डन के लिए जगह रखी जाती है ना? तो उस समय ये नगर जो था ना, उसमें भी ये सारी बातों का ख्याल रखा गया था कि सड़कों के लिए, और खास इसके अलावा उस समय पक्की सड़कें थी। सोचिए, 5,000 साल पहले इस नगर में पक्की सड़कें भी थी। तो इसी कारण मोहनजोदड़ो जो नगर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, समझे आप लोग? और यहाँ कच्छ में हमें उसके अवशेष दिखाई देते हैं। समझ में आया बेटा? जी एक ही गर्ल्स मुझे आंसर दे रही है, बाकी गर्ल्स कहाँ है बेटा? थक गए? बाकी गर्ल्स आंसर देगी बेटा मुझे? अपना ओके, तो इसमें आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे? इसका भी पॉइंट्स लिखना पड़ेगा ना? तो रापर से धोलावीरा मोहनजोदड़ो, फिर डैश कीजिए, लिख लीजिए। चलिए, रापर से धोलावीरा मोहनजोदड़ो,
मोहेंजोदड़ो आपके सामने स्क्रीन है तो आपको दिखाई देगा मोहेंजोदड़ो कैसे लिखा है। लिखा ना, उसमें डैश करके लिखिए 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति। फिर लिखिए अल्पविराम करके प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन, प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन। लिख लिया, फिर से बोलिए। प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन। हो गया? यस मिस। तो आज हम यहाँ तक घूमेंगे, है ना? क्या क्या देखा हमने? एक तो कच्छ को म्यूजियम कहते हैं, आप पॉइंट्स चेक कर लीजिए, बाकी हो तो लिख लीजिएगा। एक तो कच्छ को म्यूजियम भी कहते हैं। फिर हमने उसके रण के दो हिस्से देखे, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान, है ना? फिर उसके बाद हमने देखा कच्छ का प्रवेश द्वार सामखियाली। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? मोहनजोदड़ो देखा, जहाँ कैसे पहुंचते हैं उत्तर दिशा की ओर, सामखियाली से हम उत्तर दिशा की ओर बढ़े तो हम रापर से होते हुए धोलावीरा, और धोलावीरा में हम ये मोहनजोदड़ो के अवशेष देख सकते हैं। वो हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है ना? और प्राचीन नगर में प्राचीन नगरी के दर्शन हमें यह चकित कर जाते हैं, और प्राचीनता में यह आधुनिकता के दर्शन कराने वाली नगरी है। इतना हमने पढ़ा, इतना आपको याद रहा ना? हाँ मिस। हाँ ठीक है बेटा। अभी मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स जितने ही लिखाए हैं आज आपको, जितने आपके पास पॉइंट लिखे होंगे उतना ये लेसन आसान होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं, इसमें बहुत सारी हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे और बड़े क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। इसलिए आपके पास अगर पॉइंट होंगे तो कितने भी क्वेश्चन आंसर हो आपके लिए आसान हो जाएंगे। कहीं से भी मिस पूछे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? राइट गर्ल्स, सुनाई दे रहा है गर्ल्स? हाँ ओके। तो आज हम यहीं तक घूमेंगे। आज आप चलो, आप थक गए होंगे ना, क्योंकि इतना लंबा सफर करके हम पहुंचे तो आप थक गए होंगे, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आप आराम कर लो, अच्छे से मोहनजोदड़ो को देख लो। फिर हम 2 दिन बाद हमारी पिकनिक जो है ना वो फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 2 दिन आराम कर लो। ओके ओके मिस। ओके ओके चलो, तो मिलते हैं। आज आपको थोड़ी जल्दी छुट्टी, आप थके होंगे ना इसलिए, पर मोहनजोदड़ो अच्छे से देख लीजिए। ओके मिस। नेक्स्ट लेक्चर में उससे आगे घूमने के लिए चलेंगे। ओके चलो, तो मिलते हैं। बाय बेटा। बाय 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 मिस। बाय बेटा।